चावल हम सभी के घर में हमेशा ही बनते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि चावल बच भी जाते हैं, कई बार फ्राई कर लिए जाते हैं और कई बार मन करता है कि कुछ उनका अलग से बना लिया जाए। तो एक ऐसी ही अमेजिंग सी ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो हमने बनाई है बचे हुए चावल से। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मेल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही गजब की ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसे हमने बनाया है बचे हुए चावल से। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने मिक्सिंग बाउल में लिया है एक बड़ी कटोरी बचे हुए चावल, बॉइल्ड राइस यहाँ पे हमने लिए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जिन्हें हमने बारीक चॉप करके या ग्रेट करके लिया है। यहाँ पे हमने गाजर ली है, 2 गाजर हैं करीब 1 कटोरी, इन्हें हमने ग्रेट कर लिया है। शिमला मिर्च ली है बारीक चॉप करके, एक छोटी सी शिमला मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया था करीब 1/2 कटोरी। साथ में यहाँ पे हमने ली है मटर जिन्हें हमने थोड़ा दरदरा पीस लिया है, कच्ची मटर को ही हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं स्मूथली ग्राइंड नहीं है, दरदरी हमारी ये है। साथ में हमने ली है 1 चम्मच अदरक बारीक ग्रेट करके। इसके साथ ही यहाँ पे हम ले रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया करीब 2 से 3 चम्मच। और 1/2 कटोरी यहाँ पे हमने ली है बीन्स जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। वेजिटेबल्स आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो आपके पास हो उन्हें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो अच्छी ना लगती हो उन्हें स्किप कर सकते हैं। ऐड कर रहे हैं कुछ मसाले, 1 चम्मच करीब यहाँ पे हमने डाला है सफ़ेद नमक। साथ में ही ऐड कर रहे हैं ओरिगैनो करीब 1/2 चम्मच, आप यहाँ पे पिज्जा हब्स भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ले रहे हैं लाल मिर्च करीब 1/2 चम्मच, यहाँ पे हमने हरी मिर्च का यूज़ नहीं करा, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर यहाँ पे हमने ऐड किया है। साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब ही गरम मसाला, और साथ में ही यहाँ पे ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। और बस सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं बेसन, करीब 2 से 3 चम्मच बेसन यहाँ पे हम ऐड करेंगे अच्छी बाइंडिंग के लिए। आप वैसे अगर यहाँ पे उबला हुआ आलू भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, उबले हुए आलू को यूज़ करने से आपको यहाँ पे बेसन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और अगर आप उबला हुआ आलू यूज़ नहीं करते तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से बेसन को भी मिक्स कर देंगे। और बेसन को मिक्स करने के बाद एक बार हाथ से हमें इसे बाइंड करके देख लेना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगर ये आराम से बाइंड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें 1 चम्मच बेसन और ऐड कर देंगे। तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो रहा है और बस इसे उठा के हमने रख दिया है साइड में। दूसरी तरफ यहाँ पे हम ले रहे हैं एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप करीब मैदा, कोटिंग के लिए यहाँ पे हमने ली है मैदा। इसमें ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पे हमने इसका एक घोल तैयार करना है। घोल ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल कर लेंगे तैयार। बचे हुए चावल का ये स्नैक्स देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे सुबह को या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या लंच में पैक करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हमने बना के कर लिया है तैयार। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, करीब 1 कप ब्रेड क्रम्स यहाँ पर हमने लिए हैं। इसमें भी हमने ऐड करी है 1/4 चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच करीब ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं नमक। नमक और मिर्च को ब्रेड क्रम्स के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। ब्रेड क्रम्स के लिए करीब 2 से 3 ब्रेड मिक्सी जार में स्मूथली पीस लेनी है और उसका पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स नमक और मिर्च मिला के तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने लिया है चीज़ क्यूब जिसे हमने कुछ इस तरह से कट कर लेना है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो चीज़ स्किप कर सकते हैं लेकिन बच्चों को पसंद आता है, इसलिए यहाँ पे हमने एक चीज़ लिया है और जिसे हमने इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं कट करके रख लेना है। और बस आज का स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ आइसक्रीम शेक्स जिसके बिल्कुल मिड में हमने स्टिक कर देने हैं 2 पीस चीज़ के कुछ इस तरह से। हल्के से हाथों से इन्हें प्रेस कर देंगे जिससे कि हल्का सा ये स्टिक के साथ चिपक जाएँ। और बस इसी तरह से हमने 2-2 पीस चीज़ के ले कर स्टिक पे इस तरह से चिपका के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ अब ले रहे हैं हमारे चावल का बैटर जिसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे हाथ पे, और हाथ पे हमें इस तरह से लेते हुए इसे फैला लेना है। और फैलाने के बाद हमने हमारी स्टिक जो हमने चीज़ लगा के तैयार करी है उसे रख देना है इसके बिल्कुल मिड में, और हाथ से हमने इसे अच्छे से बाइंड कर लेना है स्टिक के साथ अच्छे से फोल्ड करते हुए।
हाथ से हम इसे बंद कर देंगे और बस दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से हमने इसे टाइटली बंद कर देना है। और आप देख सकते हैं दोनों हाथों की हेल्प से जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया है आइसक्रीम स्टिक के साथ। और बस इसी तरह से सारे नाश्ते को हम बांध के रख लेंगे हमारी आइसक्रीम स्टिक पर। आइसक्रीम स्टिक अवेलेबल ना हो तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को कटलेट की तरह भी बना सकते हैं, बीच में चीज़ रख के आप इन्हें हाथ से इसी तरह से बंद कर लीजिएगा। लेकिन अगर अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कुछ इनोवेटिव बनाना हो तो आप इस तरह से इन्हें स्टिक पे बाइंड करके रख सकते हैं। इससे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हमारे नाश्ते को इस तरह से बाइंड करके रख लिया है चीज़ और आइसक्रीम स्टिक के साथ। और बस दूसरी तरफ हमने रख दिया है तेल भी गर्म होने के लिए। तेल को हमने मीडियम गर्म होने देना है और इतने हम हमारे इस नाश्ते को सबसे पहले डिप करेंगे हमारे मैदा के बैटर में। जो मैदा का घोल हमने बना के तैयार करा था उसमें हमने इसे इस तरह से कर देना है डिप। बस इसे डिप करने के बाद हम निकाल लेंगे। चारों तरफ हमने मैदा के इस घोल को कोट कर लिया है और अब हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। उससे बहुत ही कुरकुरा नाश्ता हमारा बनकर आएगा और तेल में जाने के बाद ही बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो हमने इस तरह से इसे कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स के साथ। ब्रेड क्रम्स कोट करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिएगा एक अलग प्लेट में। सीधा तेल में नहीं डालना नहीं तो ब्रेड क्रम्स सारे तेल में फैल के तेल को ख़राब कर देंगे। तो बस इसी तरह से सारे ही नाश्ते को हमने पहले मैदा के घोल में लपेटना है और उसके बाद इस पर लपेटना है हमारे ब्रेड क्रम्स और एक साइड में हम इन्हें रखते जाएंगे। दूसरी तरफ तेल भी मीडियम गर्म हो गया है। तेल ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और गैस को भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हम हमारे इस नाश्ते को तेल में डालेंगे। हाथ से एक बार अगेन हमने इसे घुमाते हुए डालना है और सारे ही नाश्ते को एक साथ नहीं डालेंगे। जितना आपके पैन में और आपके तेल में आ जाए उतने ही नाश्ते को एक बारी में हमने तेल में डालना है और ना ही हमने इन्हें एक साथ पलटना है। नीचे से एक बार इन्हें हमें अच्छे से कुक होने देना है, अच्छे से फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। इतने हल्का हल्का तेल हमें ऊपर से डालते रहना है जिससे कि ऊपर की लेयर भी हल्की सी सिकनी स्टार्ट हो जाए। और बस जैसे ही लगेगा कि नीचे का हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है एक एक करके हम इन्हें हल्के हाथों से पलट लेंगे। ज़्यादा तेज करछीन पे नहीं मारनी नहीं तो ये फट सकते हैं। हल्के हाथों से ही हमने इन्हें पलट लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एक साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमने पलट के दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमने दोनों साइड से हमारे इस नाश्ते को सेक कर तैयार करा है, इन्हें डीप फ्राई करा है। आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस एक एक करके हमने इन्हें उतार लेना है और गर्मा गर्म इन्हें सर्व करेंगे। अगेन हम आपको बताना चाहेंगे कढ़ाई में डालने से पहले एक बार इन्हें हाथ से ज़रूर सेट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से और उसके बाद ही आपको इन्हें कढ़ाई में छोड़ना है, तेल में छोड़ना है और बस इसी तरह से सारे ही नाश्ते को फ्राई करके कर लेना है तैयार। और बस बचे हुए चावल का बहुत ही अमेजिंग सा बहुत ही डिलीशियस नाश्ता आपका बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम चावल बचें तो इस गजब सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार हम आपको इसे निकाल के दिखा भी देते हैं। बिल्कुल अच्छे से कुक है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हमारा चीज़ी चावल लॉलीपॉप बनकर सर्विंग के लिए है तैयार। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।